नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में है शुगर और पथरी की आयुर्वेदिक दवाई और आयुर्वेदिक इलाज को लेके। अक्सर आप सुनते रहते हैं, अक्सर हम बातचीत करवाते हैं उनसे। आज फिर एक बार हम इसी मुद्दे पे बातचीत करवाएंगे। ऋषिपाल वैद्य से आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे इसी मुद्दे को लेकर। और दवाइयाँ कैसे बनती हैं, शुगर की दवाई का प्राइस क्या है, सब बातों को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज एक बार फिर और भी अच्छे तरीके से हम ऋषि हर्बल आयुर्वेदा मौजूद हैं और इस मुद्दे पर अच्छे से बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बार हम अंदर चल के दिखा देते हैं आपको फिर से एक बार। सबसे पहले देख लीजिए, ऋषि हर्बल आयुर्वेदा डैरोली जाटगांव, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में ये मौजूद है। और नारनौल महेंद्रगढ़ रोड से 4 से 5 किलोमीटर अंदर है ये गांव। और इसके अलावा हम सबसे पहले एक और खास चीज़ दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ देख लीजिए, खबरें, सर्टिफिकेट और फोटोज से पूरी गैलरी अटी पड़ी है। कोई नए ये नहीं है कि कोई नया चेहरा आया है जो दवाइयाँ दे रहा है। आप भली भांति परिचित हैं इनसे। और कोई भी नेता, अभिनेता या फिर कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिनसे ये सम्मानित नहीं हो चुके। देख लीजिए आप, पूरी गैलरी अटी पड़ी है खबरों से, सर्टिफिकेट से और जो सम्मान प्राप्त करते हैं फोटोज हैं। और हमारे साथ ऋषि जी मौजूद हैं, ये आज फिर एक बार दवाइयाँ भी बना रहे हैं। इनसे ये भी पूछेंगे किस चीज़ की दवाई बना रहे हैं। और जो वही सबसे मुख्य मुद्दा शुगर और पथरी को लेके, उस पर भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से इलाज हो रहा है और कितना रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। तो ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज भी ये दवाइयाँ बना रहे हैं। इनसे ये भी पूछेंगे किस चीज़ की ये दवाई बना रहे हैं। और शुगर और पथरी, क्योंकि एक सामान्य बीमारी बन चुकी है आज के समय शुगर और पथरी। हर घर में कोई ना कोई रोगी मिल जाता है इस चीज़ का, एक सामान्य सी बीमारी हो चुकी है खांसी बुखार जुखाम की तरह। तो उसका भी ये सफल 100% रामबाण इलाज दे रहे हैं रोगियों को, लोगों को। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रोगी कह रहे हैं कि सफल और रामबाण इलाज है। ऋषिपाल जी से सारी बातचीत करते हैं। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। प्रिंस भाई, आपको भी और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो हम ये आप कैप्सूल देख रहे हैं, ये मार्केट में खाली कैप्सूल आते हैं जिनमें दवाइयां भरी जाती हैं। ठीक है, देसी तरीके से हम ये भर रहे हैं। और ये जो हम भर रहे हैं वो पीपल, शीशम, बेलपत्र के पत्ते, क्योंकि मरीज को जब हम बताते हैं, क्योंकि जब शुगर होती है तो गर्मी की दिक्कत हो जाती है, पथरी में पानी की समस्या हो जाती है और अन्य बीमारी है, क्योंकि वात पित्त कफ जो मानव शरीर का है उसमें वात पित्त और कफ तीनों की समस्या अगर बैलेंस नहीं रही तो बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए पेट ठंडा रहे या फिर पाइल्स की दिक्कत ना हो या गर्मी की दिक्कत ना हो या फिर कई मरीजों को पीला पेशाब आ रहा है, वो इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में गर्मी की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो उसके लिए हम सभी मरीजों को बताते हैं कि आप पीपल से संबेल पत्थर के पत्ते खाइए, लेकिन लोग नहीं खा पाते या फिर जो शहरी इलाका है वहाँ एक आइटम नहीं मिलते, मतलब पीपल नहीं मिला या शीशम नहीं मिला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके पत्ते, कच्चे पत्ते लाते हैं, उनको छाया में सुखा करके फिर उनका ये पाउडर बनाते हैं। ये देखिए अभी लास्ट मेरे पास बचा हुआ है ये पाउडर है, ये पाउडर हम इन कैप्सूल में, खाली कैप्सूल है, इनमें भर देते हैं। अभी ये हमने तैयार किया है, बिल्कुल तैयार है, ये यहाँ से निकल गए और सारे कैप्सूल भरकर तैयार है जी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि लोग कहीं कैप्सूल देख के ये ना समझे कि ये कोई एलोपैथी की दवाई है, ये आयुर्वेदिक दवाई है। अगर कोई लेना चाहे तो इसको चूर्ण में भी ले सकता है। चूर्ण में भी ले सकता है, लेकिन आजकल आपको पता है लोग चूर्ण लेना या पसंद नहीं करते, बोलते हैं कि आप टेबलेट दो या कैप्सूल दो ताकि हम सीधा ले लें। मतलब नॉर्मली मॉडर्न चीजें पसंद है सभी को, चूर्ण लेना कोई पसंद नहीं करता है खासतौर पर। तो ये आयुर्वेदिक दवाई का ही एक नया रूप इन्होंने तैयार कर दिया ताकि रोगी या फिर जो भी दवाई लेना ले रहा है वो अच्छे तरीके से ले सके। बिल्कुल, तो ऋषिपाल जी सबसे पहले हम उसी मुद्दे पे आ जाते हैं, शुगर और पथरी एक सामान्य सी बीमारी बन चुकी है, हर घर में रोगी मिल जाते हैं इस चीज से। तो सबसे पहले शुगर की बात करें तो शुगर का किस प्रकार से आप इलाज कर रहे हैं? देखिए प्रिंस वाइज, शुगर का हम पहले भी बता चुके हैं, 70-80% हमारे रिजल्ट होते हैं। अब हम जो हमसे 2017 से दवाई ले रहे हैं उन पेशेंट, उनको तो मीठा वगैरह सब अलाव हो, वो तो सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन जो अभी 4-5 या 6 महीने से हमसे दवाई या 1 साल से दवाई ले रहे हैं उनका भी हमने लोगों का मीठा अलाव कर दिया है।
क्योंकि हम धीरे धीरे पहले दो तीन दाने चीनी के या गुड़ की छोटी कड़ी वगैरह लेना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अब वो बिल्कुल चावल भी खाना स्टार्ट कर दिया है, मीठा भी खाना स्टार्ट। कोई किसी दर्शक को अगर ये मोबाइल नंबर भी चाहिए तो हम उन लोगों के मोबाइल नंबर देने को तैयार हैं, क्योंकि जी अगर उनके हम डिस्प्ले पे देंगे तो जी बार बार लोग उनसे संपर्क करेंगे, फिर वो बोलेंगे जी हम वैसे परेशान बिल्कुल हो गए। है, हम भी आपके इतने ज्यादा मोबाइल फोन आते हैं, ऋषि बिल्कुल हर्बल आयुर्वेद है, खबर चलते चलते, क्योंकि पहले भी हमने काफी खबरें दिखाई, हम खुद परेशान हो जाते हैं, इसी के लिए हमने हमारे नंबर भी देने छोड़ दिए हैं आजकल वीडियोज पे। तो आपने बताया कि जैसे आपका जी70-80% जी कारगर है, जी तो अब तक कितने रोगी ठीक कर चुके हैं, और कुछ ऐसे रोगी रोगी भी हैं जो ठीक नहीं हो पाए, जिन्होंने दोबारा फोन किया हो आपके हाँ पास? बिल्कुल, कमेंट भी करते हैं जी हम ठीक नहीं हो जी पाए, हम उनको संतुष्ट करते हैं जी आपका आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है, आप एलोपैथी की तरफ जाइए। हम ये जी एलोपैथी को खराब नहीं बता रहे, वो जी भी अच्छी चीज है, लेकिन अगर लंबे समय तक एलोपैथी लेते हैं तो उनको फिर दुष्प्रभाव आ कहीं ना सकता कहीं वो है नुकसान जी। करेगा शरीर में किसी न तो किसी जो रूप में। हमारी दवाई से ठीक नहीं होते, हम तो आपको पहले बता चुके जी हैं कि हम आयुर्वेद में लास्ट दवाई देते हैं, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं अजवाइन लीजिए या फिर नीम लीजिए या जामुन की गुठली लीजिए या फिर आप मेथी लीजिए, अगर इनसे ठीक होता तो हर रोगी अपने घर पे ही ये कर लेता है और ठीक नहीं हो पाते हैं। जी इंद्रायण फ्रूट है, उनसे हम ये बनाते हैं, बिल्कुल आप ड्राम वगैरह दिखा सकते हैं, जी बिल्कुल हमने नया मतलब जो प्रोसेस है वो तैयार करके रख दिया है, पीछे वाला है वो हमारे लगभग 2 महीने का और बचा है, बाकी सब खत्म हो चुका है, अभी ये 4 या 5 या 6 महीने बाद में जी इनको निकालेंगे जी। जी जो आपने जैसे रोगी की भी आपसे ठीक नहीं हो पाते, इसके अलावा हम बातचीत करना चाहेंगे, शुगर की बातचीत चल ही रही है, तो कितने गंभीर से गंभीर रोगी आपने ठीक किए हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है शुगर के कारण कई बार शरीर का कोई हिस्सा भी हाँ काटना कट पड़ जाता जाता है, है, कट ऑपरेशन जाता हो है जाता है बिल्कुल उसका, बिल्कुल उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाते, अक्सर देखे जाते हैं रोगी, तो क्या वो रोगी भी यहाँ पे ठीक हो सकते हैं आपकी दवाई से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब शुगर कंट्रोल आ जाती है तो जी रोगी के जो घाव हैं वो भरने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, नीम के छिलके पीस करके वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप गेंदे का फूल वगैरह उनकी पत्तियां भी यूज कर सकते हैं, हल्दी भी यूज कर सकते हैं, या फिर एलोपैथिक की तरफ भी आप जा सकते हैं, घाव भर सकते हैं, और फिर भी नहीं भरता है तो एक आजकल नया सिस्टम एलोपैथिक में है, जला करके उस घाव को सुखाया जाता है, तो वो भी आप, लेकिन जब तक आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो आप चाहे वो जलवा लें या फिर कुछ भी करवा लें, घाव नहीं भरेगा। जी तो ऐसे हमारे पास भी काफी रोगी हैं जो ठीक हुए हैं, जिनका अंगूठा कट गया था या उंगली कट गई थी वो घाव नहीं भर रहा था, या फिर कहीं भी घुटने पर जब वो चल रहे थे जी गिर गए चोट आ गई तो वो घाव नहीं भर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक तो अभी बात करें हम शुगर के हुए साथ साथ पथरी की भी बात कर जी। लेते हैं, पथरी भी कई तरीके की पथरी होती है, छोटी पथरी, बड़ी जी पथरी, जी और कई बार वीडियोज भी देखते हैं, अक्सर लोग भी मिल जाते हैं कि फलानी जगह वो गिलास से बिल्कुल पथरी बिल्कुल निकालते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं वो तंत्र मंत्र से भी पथरी हाँ निकालने का दावा करते हैं, तो अपने पास क्या जो देखिए जादू की प्रिंस छड़ी है भाई, आप निकाल देते हैं पथरी? अपने पास जो दवा है जी हमने पहले भी बताया, हम तीन चीजों की, पत्थरी निकलने का मेन तीन कारण होता है, एक तो आपकी दवाई पत्थरी को तोड़े या पिघाले, जी आपकी पत्थरी मान लो आपने दूरबीन से ऑपरेशन से तुड़वा ली ठीक है लेकिन वो निकाल के नहीं लेके आते, जी उसके लिए फिर डॉक्टर उसको दवाई देते हैं ताकि वो निकले, जी उसके लिए फिर हम देते हैं कि अगर टूटेगी या पिघलेगी तो वहां दर्द होगा मरीज को, जी उसके लिए हम ड्रॉप देते हैं ताकि उसमें दर्द ना हो, आपका टूट गया पिघल गया दर्द भी खत्म हो गया लेकिन निकला नहीं, निकलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बाथरूम आना चाहिए, जी प्यास लगनी चाहिए, अब हमें प्यास ही नहीं है तो बाथरूम कहाँ से आएगा, उसके लिए हम जो सफेद वाला पाउडर देते हैं ताकि मरीज को ज्यादा से ज्यादा प्यास लगे। काफी जगह पर ऐसे लोग हैं जो कि तोड़ तो देते हैं निकल नहीं पाती, जी या फिर प्यास की दवाई दे देते हैं तो तोड़ नहीं पाती। हाँ जो लेडीज हैं उनको 17, 18, 20 mm तक की जो पथरी है वो निकल जाती है, जी लेकिन जेंट्स को 14 mm से ऊपर वाली पथरी नहीं निकल पाती, वो कहीं ना कहीं पेशाब की नली में आके फंसेगी, तो उस सिचुएशन में हम पहले बोलते हैं कि 14 mm से ज्यादा अगर बड़ी पथरी है तो उसकी जी हम गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है और गारंटी का मतलब यह है कि मान लो किसी ने एक बार हमें पैसा दिया, ठीक है हमने उसको दवाई भेज दी, जी उसकी 15 दिन में अगर नहीं निकलती है पथरी जी तो हम दोबारा उसको फ्री देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं, केवल कोरियर चार्ज जरूर लेते हैं जी बाकी कोई पैसा नहीं लेते, और ऐसे नहीं है कि हमारे पास ऐसे मरीज नहीं है, बहुत जी सारे ऐसे मरीज हैं जो दोबारा भी ली हैं तिबारा भी ली हैं, 3 बार में जाकर के उनकी पथरी निकली है, जी लेकिन हमने जो बात कही है उस पर हम अडिग हैं और अटल हैं, जो हमने कहा कि फ्री देंगे तो देंगे जी। बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद आज के समय में सबसे बेहतर जो दवाई है आयुर्वेदिक की, हर बीमारी के लिए सबसे बेहतर दवाइयां हैं, सबसे कारगर दवाइयां हैं,
और बात करें ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की, तो अब तक हमारे पास हजारों फोन आए हैं कि हमें वहां से दवाई लेनी है, और उस दवाई लेने के बाद भी लोगों के फोन आते रहते हैं। कई रोगियों के पास हम खुद भी कर लेते हैं ताकि हम भी तसल्ली कर सकें कि हम खबर बनाते हैं तो कहीं उसका गलत प्रभाव तो नहीं जा रहा है। तो अक्सर रोगी कहते हैं कि हमने दवाई ली और दवाई काफी कारगर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था रामबाण इलाज है, और ये हम नहीं कहते, ये खुद रोगी बता रहे हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। हमने इनका दवाई कैसे बनाते हैं, किस किस चीज का उपयोग करते हैं दवाइयों में, हर चीज से हम रूबरू करवा चुके हैं। किस प्रकार से ये दवाइयों को कूटते हैं, पीसते हैं, किस प्रकार से उसका चूर्ण बनाते हैं, और आजकल तो इन्होंने एक नया तरीका भी ढूंढ लिया, क्योंकि अक्सर रोगी चूर्ण बना देते हैं तो वो सोचते हैं इसमें पता नहीं क्या मिला रखा होगा, तो उसका भी एक मॉडर्न तरीका, एक कैप्सूल बना रहे हैं। एक बार कैप्सूल दिखा दीजिए, क्योंकि एलोपैथी में जिस प्रकार कैप्सूल तैयार किए जाते हैं उसी प्रकार ये कैप्सूल तैयार। एक मेरे जहन में सवाल उठ रहा है, कैप्सूल है जिसे इसका खोल है, ये जो किस चीज का होता है, प्लास्टिक हो जाएगा, चावल का, चावल भूसी का खोल होता है, तो ये जैसे खुलता है तो कोई नुकसान वगैरह नहीं? नहीं, किसी प्रकार को, अगर आपके गिल्ले हाथ हैं तो भी ये यहीं पे पिघल जाएगा जी। तो ऋषिपाल जी हम बात कर रहे हैं शुगर की, पथरी की, आपने बताया 14 mm से बड़ी पथरी का केस हम नहीं लेते हैं, तो जो 14 mm तक की पथरी है तो कितना चांसेस है कि रोगी 100% ठीक हो पाएगा, और कितने समय में ठीक कर देते नहीं प्रिंस भाई, 14 mm तक की तो गारंटी ले रहे हैं, उसमें तो हमें देखो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% कह सकते हैं कि यह पथरी निकलेगी। और दूसरा, जब मरीज कोई भी हमसे फोन करता है तो हम बोलते हैं कि जी नहीं निकलती तो हम दोबारा फ्री देंगे, तो वहां क्या होता है, मरीज को एक विश्वास होता है कि अगर दोबारा फ्री दे रहे हैं तो ये दवाई अच्छी होगी, तभी फ्री दे रहे हैं, नहीं दोबारा पैसे नहीं लगते, दवाई के जो बनाते हैं उनको भी पैसे लगते हैं, हर आइटम आता है वो पैसे में आता है, तो दोबारा, और हम भी इतने विश्वास से देते हैं कि मरीज जो ले रहा है तो हमें अपनी दवाई पे विश्वास है कि वो ठीक होगा, तभी हम बोल रहे हैं कि दोबारा फ्री देंगे जी, पैसे नहीं लेंगे। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार रोगी हैं जैसे वीडियो में तो दावा कर देते हैं हम कि 100% ठीक होंगे, कई बार रोगी उस चीज को गलत ले जाते हैं, क्योंकि अक्सर रोगी परहेज जो बताए जाते हैं उसको पूरी तरह नहीं निभा पाते, और फिर दोष निकल जाता है वैद्य का या फिर जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनका। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर कई बार रोगी होते हैं वो परहेज नहीं कर पाते। प्रिंस पथरी में तो हमारे कोई परहेज है ही नहीं जी, क्योंकि कई जो डॉक्टर हैं या वैद्य हैं बोलते हैं कि आपको बैंगन नहीं खाना या फिर पालक नहीं खाना, तो मैं उनको भी ये पूछना चाहूंगा, अगर आपने मान लो आज पथरी की दवाई ले ली और पालक खाया, तो ये तो नहीं है कि आज ही पथरी बन गई, वो तो धीरे 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 वहाँ कैल्शियम या पत्थर इकट्ठा होता है, तब वो इकट्ठा होने के बाद में रूप लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है कि हम इसमें ये परहेज। हाँ, अगर आपको करने है तो लंबे समय तक करिए ताकि दोबारा ना बने, लेकिन जो पथरी बन रही है वहां आप ये कहेंगे जी ये नहीं खाने, और मान लो कुछ जगह ऐसी है जहाँ चावल ही खाया जाता है, तो वहां ये कहेंगे चावल नहीं खाने, गेहूं वहां है नहीं, तो वहां मरीज को दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम आज ही टमाटर बंद कर देंगे तो फिर आगे नहीं बनेगी, लेकिन अब बनी हुई है और आज उनका बंद कर रहे हैं और वो टमाटर बगैर रह नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पथरी टमाटर या पालक से तुरंत नहीं बनती, वो धीरे धीरे जा करके समय लेकर के बनती है। तो बात करें दवाइयों की, तो किस प्रकार रोगियों को अवेलेबल हो पाते हैं, आप कोरियर भी करते हैं, हमने पहले भी वीडियोज में दिखाया है। हाँ, तो या पूरे भारत में आपका कोरियर जाता है या इसके अलावा विदेश में भी जाता है? नहीं, विदेशों में देखो विदेश से बहुत सारे कॉल आते हैं हमारे पास, दवाई जाती है जी, लेकिन उनके जो यहाँ घर पे रह रहे हैं लोग वो अपने घर पे दवाई मंगवा करके फिर आगे वो ट्रांसफर करते हैं जी। बिल्कुल विदेशों में जा रही हैं, अपने देश में भी 20 से 22 देशों में दवाइयां जा रही हैं, और ट्रैक ऑन कोरियर से लगभग हम दवाई भेजते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज एक बात और बताना चाहूंगा, काफी लोग बाद में परेशान होते हैं कि हमारा कोरियर है वो शहर में पहुंचता है, गांव में नहीं पहुंचता। मान लो मेरा डेरली जाट गांव है, अगर ट्रैक ऑन कोरियर से मेरा कोई सामान आता है तो मेरे को महेंद्रगढ़ से ही लाना पड़ेगा जी, क्योंकि उनकी सर्विस गांव में नहीं है। और दूसरा, हमारा लिक्विड आइटम होता है जी, अगर हम कोई और कोरियर पकड़ते हैं तो वो लिक्विड आइटम नहीं ले जाते, ये भी एक रीजन है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि जी 200 रुपए है, आप 200 और ले लो, लेकिन हमारा दूसरे कोरियर से, क्योंकि दूसरा कोरियर लिक्विड आइटम नहीं लेता है, इसलिए हमें ये दिक्कत होती है, तो हमने ट्रैक ऑन कोरियर ही चूज किया है। जो सूखा आइटम है वो हम डाक से भी भेजते हैं, उसका तो कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि वो तो घर घर पहुंचाता है,
तो इसलिए लोगों को कहना चाहूंगा कि जो कोरियर मंगाते हैं वो आपका गांव में नहीं आएगा, आपके शहर में आएगा। बाकायदा हम पिन कोड भी चेंज करवाते हैं, क्या उनको बताते हैं कि इस लोकेशन से आपको दवाई मिलेगी, वहां तक पहुंचेगी। जी, अक्सर लोग ही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना रहे हैं, हालांकि चलो हमने वो तो सारे तरीके भी दिखाए हैं आपके, किस प्रकार आप बनाते हैं, क्या क्या चीज, क्या क्या औषधि उसमें यूज करते हैं आप, लेकिन अक्सर कुछ रोगी कुछ संकी भी होते हैं, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा सोचने वाले होते हैं, तो वो सोचते हैं इसमें कुछ ना कुछ एलोपैथी की मिलावट जरूर की जा रही है। तो एक बार फिर हम आपके मुख से ही ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार इसमें होता तो है। अब देखो जी, बहुत सारे आपके मैं इंटरव्यू देखता रहता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक भी हैं और एलोपैथिक भी हैं। कोई भी अगर वैद्य आपका बनाने का तरीका या बनाने की जगह दिखाता हो तो मुझे बता दीजिए, हम आपको जहां तक आप देखना चाहें पीस करके आपके तुरंत आपके हाथों से पिसवाएंगे, ऐसा सिस्टम हमारे पास है। इसमें किसी प्रकार का कोई एलोपैथिक नहीं है। अगर इसको लैब में टेस्ट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। पीपल, शीशम, बेलपत्र के पत्ते हैं और सदाहरी घास है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो सभी जो आइटम है अपने पास वो केवल और केवल ऑर्गेनिक है और नेचुरल है और जड़ी बूटियां हैं। और जो मरीज ये चाहे या फिर जो भी कमेंट कर रहा है या फोन करके बोल रहा है कि ये मिलाते हैं, वो आइए उनके हाथ से तैयार करवाएंगे और मरीज को देंगे, फिर ठीक होता है नहीं होता वो पूरा हो जाए। जी, तो ये हमारे साथ ऋषिपाल जी मौजूद हैं, हर पहलू पे हम इनसे बातचीत करें, कुछ बातें और जानेंगे इनसे अभी। इसके अलावा एक बार इधर दिखा दीजिए, ये जो भाई बैठे हैं यहाँ पे कोरियर लगाया जाता है और इसके अलावा कॉल भी यहीं पे अटेंड किया जाता है। तो ऋषिपाल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका एक बार तो पूरा एड्रेस, क्योंकि कई बार रोगी आके खुद तसल्ली करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पहुंचे, और आपका एक नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क भी कर सके। देखिए सर, हमारा जो एड्रेस है ये गाँव डेरली जाट है। अगर आप नारनौल या रेवाड़ी की तरफ से आ रहे हैं तो आप अटेली से भी आ सकते हैं, नारनौल से भी आ सकते हैं। अगर महेंद्रगढ़ या दादरी या चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो महेंद्रगढ़ की तरफ से आएंगे, नांगल सिरोही गाँव है, से अप्रोच में 4 किलोमीटर पड़ेगा जी। नंबर हमारे 7056-4064 है, उसके अलावा 4 नंबर और हैं, वो आप स्क्रीन पे चला देंगे, तो यहाँ पर रोगी आ सकता है। जिसको मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है वो आइए, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है, कुछ लोग यहाँ पर आने के बाद में 20% तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, इनका तो देसी सिस्टम है बिल्कुल। और देखिए, दिमाग में अगर ये हो जाता है कि भूत है तो है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मरीज आने के बाद में, मान लो शुगर का कोई मरीज आ गया, हम उनको बताते हैं शुगर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, थोड़ा हाफ दिनचर्या चेंज कीजिए, थोड़ी हम दवाई देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, तो 20% मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है जी। जी, तो हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं किस प्रकार दवाइयाँ बननी है, तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। काफी वायरल वीडियो है, अक्सर आपके सामने आती रहती है, और आपने जरूर कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ अंश उस वीडियो का जरूर देखा होगा। ऋषिपाल जी अक्सर हमारे साथ मौजूद रहते हैं, खास बातचीत करते हैं और हर पहलू पर बारीकी से बातचीत करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी दवाई की 100% गारंटी लेते हुए खुला चैलेंज किया है, अगर किसी को इसमें यह लगता है कि ये मिलावट करते हैं तो वो इसका लेबोरेटरी में, किसी भी लेबोरेटरी में अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बार पीछे घुमा के दिखा दीजिए मानसु लांबा, ये ड्रम, ये हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, मुन्ना लांबा जी मौजूद थे यहाँ पे, उन्होंने दिखाया था इनमें किस प्रकार से जो इंद्रायण फ्रूट है उसको काट करके किस प्रकार से इसमें भरा जा रहा था। तो हम ऋषिपाल जी से जानना चाहेंगे इसमें किस चीज की दवाई बना रहे हैं आप। प्रिंस भाई, इनमें शुगर की दवाई बनती जी है, और पिछली वीडियो में हमने थोड़ा जिक्र किया था कि इंद्रायण का अचार भी हम रखते हैं जी। बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर दिया, हमारे पास 30-35 किलो अचार था जी। वो लगभग 4 या 5 दिन में ही खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इंद्रायण अचार, क्योंकि जो लोग बुजुर्ग हैं उनको पता है इंद्रायण में क्या ताकत है जी। तो वो लोग हम उनसे बात करते हैं जी आपको शुगर, बोल नहीं शुगर नहीं है लेकिन हमें ये अचार चाहिए, क्यों चाहिए, बोल जी सर्दी का सीजन है और हार्ट के भी मरीज हैं या फिर और भी दिक्कत होती है, इंद्रायण का अचार पेट के लिए बड़ा ही जबरदस्त होता है, और बाकी अचार हैं कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई समस्या देते हैं लेकिन इंद्रायण का अचार बहुत अच्छा होता है। तो अब की बार हमने इंद्रायण का अचार के लिए, क्योंकि इंद्रायण का जो फ्रूट है बहुत कड़वा होता है, उसको हम कड़वाहट निकालने के लिए जैसे हम टीट का अचार डालते हैं वो छाछ में डालते हैं, तो ये हम कड़ी मतलब सफेदी में हम उनको डाल करके इंद्रायण का अचार बना रहे हैं।
और बिल्कुल हमारे पास लगभग जो आइटम है वो इंद्रायणी से ही बने हुए। कली मतलब चुना चुना जी चुना चुना, चुना भी काफी शरीर के लिए सेहतमंद होता है कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। थोड़ी मात्रा में ले तो काफी अच्छा है, ज्यादा ले ले तो वो थोड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो इसके अलावा हम बातचीत करना चाहेंगे, जैसे ड्रम आपने पैक कर दिए, कितने समय तक आप इनको पैक करते हैं? ये 6 महीने पैक रहेंगे, 6 महीने के अंदर ही आपकी दवाई तैयार, उससे पहले आप इनको नहीं खोलते? नहीं, इनको नहीं खोलते, 6 महीने तक ये पैक रहेंगे, 6 महीने बाद में ये खुलेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे इंद्रायण का अचार की आपने बातचीत की, तो इसके जैसे शुगर और पथरी के अलावा आपने उसकी बातचीत की, तो इसके अलावा और भी कई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं लोगों के, तो और किस किस चीज की बीमारी जैसे आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं? पेट संबंधी जो समस्या है जी, काफी हमारे मरीज ऐसे हैं कि उनको शुगर भी नहीं है वो और दिख रहे हैं, लेकिन कब्ज इतनी भयंकर है, 5-5 दिन लैट्रिन नहीं जाते हैं, उनके लिए हम दवाई देते हैं। कब्ज के लिए हम त्रिफला, और मैं तो सभी दर्शकों को कहूंगा त्रिफला, आप छोटे हैं बड़े हैं जिस भी उम्र में है, त्रिफला रेगुलर यूज करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये मान के चलिए आपको 30% बीमारियां ही नहीं होंगी अगर त्रिफला कोई व्यक्ति यूज करता है। कब्जनाशक चूर्ण है, उसके लिए हम इंद्रायणी का तेल निकालते हैं जो जोड़ों के दर्द और बालों के लिए होता है, जिनके झड़ चुके उनको आएंगे नहीं, आगे झड़ेंगे नहीं बाल, उनके लिए तेल निकालते हैं। और जो गौशाला है या फिर कोई अपनी डेयरी वगैरह कर रखी है उनको हम खड़ मतलब जो तेल निकलता है तो खल निकलती है, वो खल भी हम दे देते हैं, गौशाला में विदान करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे रखते हैं बेचते हैं, गौशाला में दे देते हैं। उसके अलावा हम इंद्रायण के ही साबुन बनाते हैं, वो भी यहीं पर बनाते हैं, बिल्कुल चरम रोग जिनको है वो साबुन यूज कर सकते हैं। उनके अलावा मोटापा जिनको ज्यादा है उनके लिए भी हम जूस वगैरह देते हैं, 2-4-5 किलो वजन घट जाता है। तो इस मेन जो टारगेट जो पेट से संबंधित जो समस्या है, जो आम जीवन में मुख्य जो समस्या अक्सर आती रहती है उनका, मतलब हर बीमारी का इलाज, छोटी बड़ी जो बीमारी आती है उनका आप करते हैं। तो एक मुख्य सवाल जो बीच में रह गया था हमारा, जैसे आप शुगर और पथरी की जो दवाई देते हैं तो उसमें कितना जल्दी रोगी ठीक हो जाते हैं? आपकी दवाई कितनी कारगर है, कितनी जल्दी आपकी दवाई असर करती है? देखिए प्रिंस भाई, हम जो पहली दवाई देते हैं वो 40 दिन की देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर रोगी को ही दवाई सूट हो जी। जब हम एक अंग्रेजी एलोपैथिक दवाई जो रिएक्शन करती है, रिएक्शन को खत्म करने के लिए जो दवाई देते हैं मरीज को, वो दवाई भी रिएक्शन कर जाती है जी। जो रिएक्शन की दवाई होती है वो भी मरीज को रिएक्शन करती है। तो ऐसा नहीं है कि हर रोगी को ये सूट होती है। 40 दिन की दवाई देते हैं, हमारे पास काफी ऐसे मरीज हैं जो बोलते हैं कि 6 महीने की आप इकट्ठी दे दीजिए या 4 महीने की, हम नहीं देते, हम पहले 40 दिन की देते हैं। 40 दिन में वो कितना कंट्रोल कर पा रहा है शुगर को, फिर वो जितनी चाहे उतने दिन की हम दे देते हैं जी। तो 40 दिन में हमारे जो रोगी हैं वो लगभग 3 महीने में बिल्कुल कंप्लीट कवर करके मीठा खाना स्टार्ट कर चुके हैं जी। जो नया है मान लो 1-2 दिन से उनको पता लगा, उसको 4-5 दिन में हम बिल्कुल कंट्रोल, यानी कि ये नहीं है अगर किसी रोगी को आपकी दवाई सूट नहीं कर रही या उस पर कोई असर नहीं हो रहा है उस दवाई का, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि उनको लेनी ही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जी, और जो पैक है वो हम वापसी भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि रोगी के पास रखी है बोले जी हम तो यूज नहीं करते, हमें वापसी भेज दो, हम उनके पेमेंट। तो इसका थोड़ा मूल्य और बता दीजिए, वैसे तो आप अक्सर बताते रहते हैं लेकिन एक बार फिर हमारी वीडियो में आप दोबारा बता दीजिए जी। दिवाली के बाद में हम 200 रुपए और बढ़ा रहे हैं, जहाँ 1300 रुपए की दवाई थी वहाँ 1500 रुपए, 200 रुपए को रेट 1700 रुपए, क्योंकि इंद्रायण फ्रूट पहले 3-4 या 5 रुपए किलो आ जाता था, आज वो फ्रूट 13-14 रुपए किलो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जड़ी बूटियां महंगी हो रही हैं, तो हमें भी, क्योंकि वही बात है घर से हम कब तक लगाएंगे जी, बिल्कुल। फिर जो लड़के लगे हुए हैं, जो भी भाई काम कर रहे हैं उनको भी पेमेंट देनी है, यहाँ भी किराया देना है, बिजली की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम दिवाली के बाद में कर रहे हैं कि अगली बार जब इंद्रायणी फ्रूट आएंगे तो उस टाइम बढ़ाने की गुंजाइश है जी। तो ये ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद है, हर पहलू पे हमने खास बातचीत की है इनसे, और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज जो मुख्य बात बताई है कि दिवाली के बाद इनकी जो औषधियां हैं, जो दवाइयां हैं, उसके मूल्य में कुछ वृद्धि कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत उसको बढ़ा रहे हैं, हालांकि इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप या गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है उस चीज को, क्योंकि 200 रुपए ही बढ़ाए हैं, पहले 1300 थी तो अब उसका मूल्य 1500 कर दिया। इसके अलावा 200 रुपए ये कोरियर का चार्ज लेते हैं। हिमांशु लामा से कहूंगा एक बार फिर एक बार गैलरी दिखा दें, किस प्रकार से अखबारों की कटिंग है वो अटी पड़े हैं, इसके अलावा इधर सर्टिफिकेट के पूरा बैनर लगा हुआ है, अलग अलग जगह अलग अलग संस्था द्वारा, अलग अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा
संतरी मंत्री नेता अभिनेता बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से भी ऋषिपाल जी ऋषि हर्बल आयुर्वेदा सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा हम चलते चलते एक बार इनकी फैक्ट्री का दोबारा से थोड़ा दृश्य दिखा देते हैं। तो अभी हम एक बार ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में मौजूद है, तो आपको हर चीज से जरूर रूबरू करवाएंगे, अक्सर करवाते भी रहते हैं। तो अभी एक बार इधर दिखा दीजिए हिमांशु लांबा, इधर ये जो इंद्रायण का फ्रूट जिसे गढ़तुम्बा या तुम्बा अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये मौजूद है। इसके अलावा इधर कुछ नए ड्राम दिखाई दे रहे हैं, तो ऋषिपाल जी इनमें क्या है? ये सर प्रिंस जी, मैंने बताया था आपको जी, इसमें सफेदी मतलब कड़ी चुना डाला हुआ है और उसमें ये फ्रूट काट करके डाले गए हैं। ये इंद्रायण का फ्रूट है, अचार बनाने के लिए। अचार बनाने बहुत कड़वा होता है लेकिन सफेदी में डालने के बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा उसका अचार। इसको कितने समय तक रखते हैं आप इसमें? इसको एक महीने रखेंगे। एक महीने रखते हैं, 10 दिन हो गए, 20 दिन और रहेगा उसके बाद। इसके अलावा ये ड्राम्स तो आप अक्सर देखते रहते हैं, इनमें शुगर और पथरी की जो दवाई है उसको 6 महीने तक रखा जाता है। इसके अलावा ऋषिपाल जी आगे कुछ औषधियां दिखाई दे रहे हैं, आपने इनको धूप में सुखा रखा है शायद। ये कौन कौन सी औषधियां? क्योंकि सर्दी का मौसम हो गया, पीसने में दिक्कत होती है। ये पनीरी है जी, और ये बच और कुटकी है, अक्सर इनकी बात करते रहते हैं, वो उधर भी बच सुखाई गई है। उधर मीठी तुलसी के पौधे हैं क्योंकि शुगर में मरीज मीठा खाना पसंद करता है, तो मीठी तुलसी के पौधे भी हैं जी जी। और बाकी ये ड्रामा आप देख सकते हैं, बिल्कुल पूरे आटे पड़े हैं उधर से इधर तक आप देखेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी ये तो पहले भी थे, तो पहले भी थे लेकिन पहले का तरीका अलग था रखे हुए का, अब और अलग तरीके से, और वैसे भी काफी लंबे समय तक रखा जाता है, इनको 6 महीने का समय होता है। 6 महीने। इसके अलावा ये औषधि आपने देख ली, ये भी दवाई बनाने में ही काम आते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर भी चलते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे, ये देख लीजिए अंदर भी काफी संख्या में ड्राम रखे हुए हैं वो ही। इसके अलावा देख लीजिए ये इन बोरों में क्या रखा है ऋषिपाल? इनमें जो खाली बोतल हैं जिनमें हम भर के देते हैं जी, वो खाली बोतल। अच्छा अच्छा। और ये सभी इसमें भी हम अचार के लिए हमें जी, इसको, जी, जी। क्योंकि इसको हिलाना पड़ता है बार बार, तो वो रखे हुए हैं। बॉयलर और जो उबालने की जो मशीन है वो भी रखी हुई है। तो ऋषिपाल जी अंदर आपकी औषधियां भी देख लेते हैं, औषधियां तो अक्सर हम दिखाते रहते हैं वही औषधियां होंगे, लेकिन आपकी बार कुछ ज्यादा संख्या में रख रखी है आपने, तो कौन कौन सी औषधियां यहाँ पर फिलहाल आपके पास रखी हुई है? ये जो बच है भार है, ये जो मीठी तुलसी हमने पैक करके रखी जी, हुई जी, है, गुटकी है, उसके अलावा चिरायता है, गुड़मार है, कुछ ये औषधियां हमने जी पीस करके भी रखी है, आज पैक हो जाएंगी। ठीक है, ये जो आप जिस तरह कैप्सूल बना रहे थे उसी तरह पाउडर में भी यूज कर सकते हैं, और कैप्सूल बना रहे हैं वो एक नया तरीका है, मॉडर्न जमाने के लिए मॉडर्न तरीका है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पीपल की छाल है। जी जी जी। तो कहने का मतलब हम आपको ये इसलिए नहीं दिखा रहे कि आपको औषधिया दिखाने हैं या फिर ये दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में औषधियां रखी हैं, लेकिन दिखाने का सिर्फ ये ही तात्पर्य है, क्योंकि अक्सर रोगी कुछ रोगी होते हैं जो शक्कर लेते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं कि कहीं मिलावट तो नहीं की जा रही, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर इस जगह पर ये दिखा रहे हैं कि कोई भी एलोपैथिक चीज इनकी दवाइयों में मिश्रित नहीं की जाती है, और अपनी दवाई का खुद ये 100% गारंटी भी ले रहे हैं। अगर आप कहीं चेक करवाना चाहते हैं चेक भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम बोरे रखे हैं और यहाँ पर दवाइयाँ पीस के भी रखी हुई हैं, औषधियाँ हैं जो, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको तसल्ली हो सके। ऋषिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खास बातचीत की, और अक्सर हमारे साथ मौजूद रहते हैं। तो ये हम ऋषि हर्बल आयुर्वेदा मौजूद थे, अक्सर हम आपको बताते हैं, और आज फिर हमने शुगर और पथरी के अलावा अनेक पहलुओं पर खुलकर बातचीत की है, हर चीज से आपको रूबरू करवाया है, आपका हर सवाल जो आपके जहन में उठता है, अक्सर आप सोचते हैं कि क्या इसमें क्या हो सकता है क्या कुछ है, हर उस सवाल से हमने पर्दा भी उठाया है, उसका जवाब जाना है। तो अगर आप दवाइयां लेना चाहते हैं तो इन्होंने अपना नंबर बता दिया था। ऋषिपाल जी एक बार दोबारा नंबर बता दीजिए आपका। 7056000064 जी, और इसके अलावा 64। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पे भी आपको इनके नंबर और पूरा पता मिल जाएगा। ये गांव डेरोली जाट है, जिला महेंद्रगढ़ और हरियाणा, नंबर इन्होंने बता दिया, स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।